लग रहा है भैया? ना कोई डर नहीं है, इससे क्या डरना है? अरे कांटे की तो दर्द होगा, इतना ही हम लोग का पास रहेगा उतना ही हम लोग का आमदनी बढ़ेगा। इस ये कुआ से बनता है, कुआ इसमें मिलाया जाता है, शुद्ध ही मिलाया जाता है। देख लीजिए कितने लोग बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोपालगंज में आए तो एक मिठाई की चर्चा बार बार हुई, मिठाई का नाम था पड़किया। तो हम यहां पर जब गोपालगंज आ गए, यहां थावे मंदिर है, यहां पर आए गौरी शंकर नाम पता था, उस दुकान पे आना है। लेकिन जब यहां पर आए तो एक बार आप दिखा दीजिए, उस किनारे वाली दुकान पर भी सेम लिखा है गौरी शंकर शुद्ध मिष्ठान भंडार। यहाँ पर भी आप देखेंगे गौरी शंकर मिष्ठान, यहाँ पे भी गौरी शंकर, यहाँ पे भी गौरी शंकर, और शायद आगे जाएंगे तो और भी गौरी शंकर मिलेंगे। इसके अलावा सबके आगे लिखा हुआ है स्टेशन वाली सबसे पुरानी दुकान, सबसे पुरानी दुकान, इस पर भी लिखा हुआ है सबसे पुरानी दुकान, वहाँ भी वहाँ भी। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जा रहा है कि असली दुकान कौन सी है, तो हम मदद लेंगे भैया से। भैया सबसे पुरानी वाली दुकान कौन सी है? सबसे पुरानी वाली दुकान स्टेशन पे है, उसी का नाम से यही सब चलता है। यहाँ पे कौन है सबसे ज्यादा? यहाँ पे सबसे ज्यादा पुरानी ये वाला है, सामने वाले। तो पड़किया खाने चलते हैं, भैया बता रहे हैं ये दुकान पुरानी है और सबसे ज्यादा मक्खी भी इसी दुकान पे है। देखिए आप एक बार दिखा दीजिए मेरे कहने पे, सारे आप कढ़ाई पे दिखा दीजिए, सबसे ज़्यादा मक्खी कहीं देखने को मिलेगी तो यहीं पे। और ये जो है ना मधु, इतना खतरनाक है ना, और इनको भी पता है, मतलब मक्खियों को भी पता है कि ये असली वाली दुकान है और मधुमक्खी है सारी। डर भी लग रहा है पहुँचते पहुँचते। तो ये बिहार की पड़किया और अपने यूपी की गुजिया एक ही है, काटती नहीं है भैया। भैया ये मक्खी काटती है कि नहीं? नहीं काटेगा, ये सिर्फ मीठा खाती है और प्यार देती है, काटती नहीं। एकदम एकदम आपके तो आसी पास से घूम रही है। हाँ, तो हमको नहीं काटेगी, हमको आप मालिक है ना, इसीलिए आप मीठा खिलाते हैं। एकदम खिलाते हैं, जरूर खिलाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, आप भी खा सकती हैं। खाने के लिए हम लोग बनाए हुए हैं। डर नहीं लग रहा भैया? ना कोई डर नहीं है, इससे क्या डरना है? अरे कांटे की तो दर्द होगा, इतना ही हम लोग का पास रहेगा उतना ही हम लोग का आमदनी बढ़ेगा, इससे हमको, इससे हम लोग का फायदा है। ऐसा क्यों है? फायदा है ना, इससे तो बहुत कुछ फायदा है, इससे ग्राहक कस्टमर हम लोग के पास आता है। ये मधुमक्खी देख के हमारे लिए लक्ष्मी है। सही बताइए, लोग मक्खी देख के भाग जाते हैं, आप कह रहे हैं कि मक्खी देख के आ जाते हैं? ना हम लोग पास में रहते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि मक्खी देख के कस्टमर आते हैं, ऐसा क्यों है? लक्ष्मी के पास है, होता है। हाँ, हम लोग क्यों भागेंगे? एकदम भैया के हाथ के बगल में मधुमक्खी। अरे भैया हमको क्यों काटेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जो मरेगा ना, मरेगा तब कटेगा, काटेगा, नहीं मरेगा तो नहीं कटेगा, ये तो खड़ा रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा भैया, यहाँ क्यों प्रसिद्ध है इतना ज्यादा ये मिठाई? यहाँ बोलते हैं ना, यहाँ हम लोग पूर्वज लोग बनवाए हुए हैं, है ना, उन्हीं लोग के माध्यम से हम लोग बेच रहे हैं। आज भी यहाँ का मिठाई खाने से सबको अच्छा लगता है, आकर्षित करता है, इसलिए हम लोग बना कर रखते हुए हैं। क्या अलग है, ये गुजिया है? नहीं, यहाँ का पुणकिया बोला जाता है, गुजिया जैसा ही लगता है, उसी में गुजिया बोला जाता है। पड़किया? हाँ, यहाँ पुणकिया बोला जाता है, यहाँ का प्रसिद्ध मिठाई है ना। ये जो मधुमक्खी है वो देख के डर लग रहा है कि कहीं कोची तो सूज जाएगा। नहीं, कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा। कैसे बनता है ये? कुआ से बनता है, कुआ इसमें मिलाया जाता है, शुद्ध घी मिलाया जाता है, उसके बाद घी तो मैं निर्माण करने में थोड़ा सा समय लगता है, स्टाफ भी है, लेकिन काम जो भी होता है शुद्ध होता है। कितने लोग हैं आपके दुकान पे जो बनाते हैं? वही 3-4-5 लोग भैया हैं, 10 लोग भैया जाएंगे। कभी घर के लोग बढ़ जाते हैं, कभी बाहरी लोग आ जाते हैं, मिला जुला कर। सबसे ज़्यादा बिक्री होती है मेला वाला चैत के आता है, उसी समय में बढ़िया चलता है। नौमी में दुकान ज़्यादा चलता है, उसी समय हम लोग दुकानदारी करते हैं। अभी हम खाएंगे, बातचीत ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगी वो देख लीजिए, आप एक बार इधर भी दिखा दीजिए और एक बार इधर भी दिखा दीजिए। तो भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मक्खी देख के लोग आ जाते हैं, जैसे हम देख के चले आए कि मक्खी यहाँ ज़्यादा है, तो हो सकता है यहाँ ज़्यादा है। जितेश कहाँ गए, उनको भी खिलाया जाएगा, वो कानपुर के हैं, हम लोग तो गुजिया खाते रहते हैं तो हमें इसका स्वाद पता है, और बिहार कई बार आए भी हैं। देखिएगा बच्चा।
मेल्ट हो गया है। ये क्या है भैया? चीनी है जो अंदर? खोआ है अंदर, खोआ है। नहीं, ये जो मेल्ट हो गया है पानी जैसा। अभी सूखेगा, ताजा मिठाई है, सूखेगा तो खोआ आपको खाली दिखाई देगा। जो भी है मजेदार है, है ना? आपके खाने से अच्छा है तो अच्छा है। एक ही बार में खाना पड़ेगा लग रहा है। भैया थोड़ा अंदर जा सकते हैं क्या? हाँ, भैया ने कहा है आ जाइए, पहले घी देख लें। हम जा रहे हैं अंदर। ओए होए बाबा, आप तो बूढ़े हो गए, आपका रिटायरमेंट का समय आ गया, काहे मेहनत कर रहे हैं? क्या नाम है बाबा? टाइम पास कर रहे हैं। नाम क्या है बाबा? भगवान जी। ये आपके बेटे हैं जी? तब भी अपने बाप से काम करा रहे हैं? नलायक हैं क्या? नहीं करा रहे हैं, बैठे बैठे मन लगे, नहीं तो घर पर जाएंगे तो आवाज नहीं आ रही भैया। घर पर रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगता है उनका, तो इसलिए हम लोग रखे हुए हैं कि टाइम पास हो। घर पे कैसे टाइम पास होगा? बूढ़े आदमी अगर जो कोई नहीं रहे तो कैसे टाइम पास होगा? ये मैदा है ना भैया, आप मुझे प्रोसेस बता दीजिए कैसे। ये मैदा है, गुन के ऐसे लोई कटा है, फिर बेला जाएगा, फिर उसमें वो खोआ भर दिया जाएगा। खोआ भर के और भुजा जाएगा, भुजने के बाद उसको निकाला जाएगा। ये तल के तुरंत डाल देते हैं सीरे में? तुरंत डलाएगा। अच्छा, इसमें क्या पड़ता है? ये घी में ऐसे सना जाता है? हाँ, इसको अब हम लोग सनाता है और इसको बढ़िया से मैन देकर बनाया जाता है ताकि खाने में स्वाद बने। तो ये एक दिन में आपके यहाँ कितना तैयार होता होगा आटा का लोई? वही 20-25 किलो मान के चलिए, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इतना मेहनत बहुत काफ़ी है, 25 किलो से ज़्यादा नहीं होता है। अभी देख लीजिए कितने लोग बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बाबा भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, 6.5 मान लो बाबा को साथ नहीं। कहाँ इस समय, अब शाम को दुकान बंद करेंगे तभी जाएंगे लोग अपने अपने घर। आखिर कोई दिन भर आ जाते नहीं रहते, कोई मान लीजिए फ्री है तो आ गया, बैठा दिए कि चलो भाई काम करो, टाइम पास हो रहा है, बच्चे लोग हैं तो साथ में मिलजुल कर। नवमी में ज्यादा बिकता होगा? नवमी इस समय कोई बिक्री नहीं रहती, यहाँ का बहुत प्रसिद्ध है आपके बगल माता जी, यहाँ माता जी का दरबार है तो ऐसे भी लोग आते हैं पूजा उजा करने के लिए, तो हम लोग भी थोड़ा सा प्रसाद के रूप में भेज देते हैं। अब प्रसाद है, ये है शुद्ध काम होता है। जो मंदिर के प्रांगण में है वो सब प्रसाद है, जो प्रसाद है, प्रसाद है, ये प्रसाद के रूप में बिकता है, नहीं तो है क्या, कुछ नहीं है। सही बात है, गुजिया कोई भी अपने घर बना आप भी बना लीजिएगा, आपको क्या नहीं आएगा, गुजिया कौन सी बड़ी बात है, लेकिन है कुछ बन... में सर, क्या बनती है? तो वही बात है फिर। बाबा आपकी उम्र कितनी है? हमको उम्र 65-70 होगा। दांत है बाबा? हाँ, दांत है, दांत दिखाइए थोड़ा आज के कैमरे पे। ठीक है, ठीक है, खा लेते हैं 5 रोटी। बाबा जो है तब भी धीरे धीरे अपना कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये बड़ी चर्चित सी मिठाई है यहाँ पे, पटकिया और पुड़किया। पुड़किया, 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 पुड़किया। तो भैया गोपालगंज की पुड़किया बड़ी फेमस है, मैं कई बार खा चुकी हूँ लेकिन कभी वीडियो नहीं बनाई। आज जब यहाँ आई थोड़ा सा समय ज़्यादा था तो हमने सोचा कि वीडियो भी बना ले, जो हमारे भाई बंधु बिहार के नहीं हैं, कहीं कहीं से देखते हैं हमें, वो जब बिहार आएँ गोपालगंज आएँ तो इस मिठाई के बारे में परिचित हों ताकि खा सकें। और बड़ा ज़रूरी होता है आप जब किसी अलग अलग जगहों पर जाएँ तो वहाँ के खाने पीने की चीज़ों को भी दिखाते रहें, घूमने वाला चीज़ लोग बड़ा दिखा देते हैं। अब मैं थोड़ा पेटू हूँ, खाने की शौकीन हूँ तो मैं खाने की चीज़ दिखा रही हूँ, पड़किया मिठाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।